नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का कारवां जारी है। टीमें लगातार अपना अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मैदान पर जंग लड़ रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर वाला मुकाबला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखने को मिला, जहां 12 साल के क्रिकेट में नई नवेली टीम अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 282 रनों के जवाब में 49 ओवर में ही महज 2 विकेट खोकर 286 रन बनाकर एक ओवर शेष रहते ही 8 विकेट से पाकिस्तान को मात दे दी। अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम से पाकिस्तान की इस अनचाही हार की हर तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा होना भी लाजमी है क्योंकि इस बार क्रिकेट विश्व कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यह विश्व कप एशियाई सरजमी पर खेला जा रहा है। सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को बेस्ट कैटेगरी का माना जा रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट हार पर ना केवल फैंस दुखी हैं बल्कि दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स भी अपनी नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की टीम के तमाम खिलाड़ी मौजूदा पाक टीम के प्रदर्शन से काफी नाखुश हैं और टीम को काफी खरी खोटी सुना रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके दौर में भी पाकिस्तान की टीम कई बार इस तरीके से बुरी हार का सामना कर चुकी। अब सवाल बाबर आजम की कप्तानी पर आता है तो बाबर आजम आगामी कुछ मैचों में अपनी कप्तान की स्ट्रेटजी को बदल सकते हैं। पिछले 4 साल में बाबर आजम की कप्तानी पर नजर डाले तो वह प्रेशर वाले मैच में खास प्रयोग नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए बैट्समैन के पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए वे क्लोजिंग फील्डर नहीं लगाते। बॉलर के हिसाब से फील्डिंग को सेट भी करने में बाबर आजम माहिर नहीं है और वह ना ही फील्डर को किसी भी प्रकार से चेंज करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की टीम की फील्डिंग भी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। फील्डिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लूपहोल्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मैदान पर कैप्टन अपने प्लेयर को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के मैच में देखने को मिला। रविंद्र जडेजा जैसे फील्डर से कैच छूटने पर भी रोहित शर्मा ने तत्काल अपने साथी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम पिछले 4 मैच जीत चुके हैं इसलिए प्रयास जारी रखें। वहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स जब फील्डिंग में गलतियां करते हैं तो कप्तान निराश दिखाई देते हैं। ऐसे में बाबर आजम को अपनी कप्तान की स्ट्रेटजी में काफी बदलाव करने की जरूरत है। पिछले कुछ समय से बाबर आजम लीडर के तौर पर कुछ भी पाकिस्तान के लिए करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सक्सेस रेट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के लेवल पर भी निर्धारित करती है। जहां तक हम भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी क्रिकेट टीमों की बात करें तो इन टीमों का डोमेस्टिक लेवल का क्रिकेट काफी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय इन देशों की घरेलू क्रिकेट को भी जाता है। ऐसे में तमाम देशों की घरेलू क्रिकेट का ऐसा लेवल तय कर रखा है जिसमें यंग क्रिकेटर काफी मेहनत करते हैं। घरेलू क्रिकेट में अच्छा करने के बाद वे लीग टूर्नामेंट या इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री कर जाते हैं, जहां वे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। जबकि पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट का एकदम बेहद खराब हालात है। यंग प्लेयर के पास संसाधनों की भारी कमी है जिसके चलते इंटरनेशनल स्तर पर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। तो चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।